खबर कराहल से है, जहां स्वच्छता के महत्व और उपयोगिता के विस्तृत प्रचार के लिए महात्मा गांधी आश्रम कराहल द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित कराया जा रहा है, जो विगत 5 मार्च से 7 मार्च तक रखा गया है, जिसमें आमजन के जीवन में गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचाव संबंधित कई बातें ट्रेनिंग के माध्यम से बताई जा रही हैं। किस तरह आसपास साफ सफाई रखी जाए और पौष्टिक खान पान के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, स्थानीय जंगलों और पेड़ पौधों से प्राप्त जड़ी बूटी और अन्य औषधियों को कैसे स्वयं के और गांव में ही उपयोग में लाया जाए, और छोटे बच्चों को कितना आहार नियमित दिया जाए, गर्भ से लेकर जन्म के बाद तक नवजात शिशु को 1000 दिन तक विशेष ध्यान से रखा जाए, क्योंकि यही तो समय होता है जब शिशु का सही तरीके से विकास होता है, आदि बिंदुओं पर प्रमुखता से प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर नीरज श्रीवास्तव, संदीप भार्गव, ज्योति रजक द्वारा दिया गया। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप भार्गव है और मैं महात्मा गांधी सेवा आश्रम संस्था में काम करता हूँ एज ए ट्रेनर। और अभी क्या आयोजन आपके द्वारा करवाए जा रहे हैं? ये अभी वर्तमान में हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका क्षमतावर्धन के लिए हम लोग NPLA मॉड्यूल पर उनका 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आज दूसरा दिवस है। और दूसरे दिवस में मुख्यतः जो स्वच्छता के और साफ़ सफाई के जो मुद्दे हैं कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमारा पानी का रख रखाव किस प्रकार से होना चाहिए, शौचालय का कैसे लोग बेहतर उपयोग करें, नियमित साबुन से सही तरीके से हाथ धोएं, तो इन विषय के बारे में हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण कर दे रहे हैं। और फिर ये गांव में जो गांव की महिलाएं हैं, गांव के पुरुष हैं, उनको इस चीज़ के बारे में अवगत कराएंगी। महात्मा गांधी सेवा आश्रम पिछले 4 साल से अधिक समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और उसके बहुत ही सुदूर परिणाम हमको देखने को मिले हैं, बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आंगनवाड़ियों की जो क्षमता है, जो हम पहले देखते थे, उससे कई ज़्यादा वृद्धि हुई है। और इस बार भी हम चाह रहे हैं कि कुछ मुद्दे और भी जिन पर काम करना शेष है तो उस पर हम लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं। अभी लगभग कितने दिनों से ट्रेनिंग चल रही है? ये जो ट्रेनिंग है वो 5 मार्च से 7 मार्च तक है, यानी कल इसका अंतिम दिवस है और आज दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन की ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं।